हम चाहते हैं शफाफ एहतसाब, इंतकाम नहीं चाहते। ना हमारी ये पॉलिसी है इंतकाम की और ना ही इंतकामी सियासत के हम कायल हैं। इज्जतें सबकी कहते हैं सांझी होती हैं, बराबर होती हैं। हम किसी की बिला वजह न पगड़ी उछालने के कायल हैं ना इंतकामी कार्रवाई के कायल हैं। एहतसाब का अमल है। एहतसाब के अमल में अगर कोई रुकावट बनेगा और अगर वो चाहेगा एहतसाब के अमल में करप्शन के लिए इमरान खान कोई एनआरओ दे देगा, कोई मुकमुका करेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। शफाफ एहतसाब चाहते हैं, इंतकाम नहीं। बिला वजह किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। कुलभूषण का केस बिगाड़ने वाली नून लीग है, सिर्फ आलमी अदालत के अहकाम पर अमल दरामद कर रहे हैं। उम्मीद है ऑपोजिशन भारत की चालों को समझेगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। एहसन इकबाल को बजट दस्तावेज पढ़ने का मशवरा। एहसन इकबाल को मैं अपने भाई को मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि बजट की किताब का पहले मुताला कर लें और फिर जवाब दें। पहले उनने किताब पढ़ी नहीं है, तकरीर उनने सुनी नहीं है, किताब उनने पढ़ी नहीं है, बयान उनने पहले दे दिया। बयान देने से पहले किताब पढ़ लिया करें और तकरीर सुन लिया करें। पंजाब का 2600 अरब से जायद बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 300 अरब से जायद की सब्सिडी दिए जाने का प्लान। पंजाब के 36 असला के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का प्लान। मंसूबे के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सेहत कार्ड के लिए खसूसी तौर पर 60 अरब रुपए मुख्तस करने का प्रोग्राम। तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पीने के साफ पानी और समाजी शोबों की तरक्की तरजीह। बजट आवाम, काश्तकार, सनअतकार और मजदूर दोस्त होगा। मौशी तौर पर कमजोर और महरूम तबके की फलाह पर खुसूसी तवज्जो देंगे वजीर आला उस्मान बुज़दार। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शेड्यूल। वुज़रा और अरकीन असेंबली शिरकत करेंगे। बजट इजलास के बारे में हिकमत अमली तय की जाएगी। बजट में आवाम पर 425 अरब से ज्यादा टैक्स जालिमाना करार। फोन कॉल, इंटरनेट पर टैक्स लगाकर वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत। आवाम दुश्मन मौशी इकदाम बेनकाब करते रहेंगे बिलावल भुट्टो। वफाकी बजट से मजदूर तबका मायूस। सिर्फ सरमायादार को नवाजा गया, गरीब के लिए कुछ नहीं। हुक्मरान बताएं सिर्फ 20,000 में कैसे घर चल सकता है। रिलीफ देना है तो आटा, चीनी, घी और बिजली की कीमतें कम करें, शहरियों का मुतालिबा। मशरूबात, हर चीज जो गरीब आदमी पीता है खाता है उस पर टैक्स ज्यादा है, वो कोई कम नहीं हुई। गाड़ी हमने क्या करनी गाड़ी लेकर भाई। इस बजट में अमीर आदमी को उन्होंने, इंडस्ट्री को, उनको सबको उन्होंने दे दिया है। हम गरीब आदमी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो आपकी बेसिक चीजें हैं आटा, चीनी, दाल जो घर में इस्तेमाल होती है, रोटी, उसको तो कम कर देते यार। अभी जो बजट बोला ये भी अमीर आदमी के लिए, गाड़ी गरीब आदमी ले ही नहीं सकता, उसने क्या कर। नया बजट आया, खवातीन के लिए बड़ी परेशानी लाया। मेकअप के सामान पर दरामदी ड्यूटी बढ़ने से बनाओ सिंगार मुश्किल। फेस पाउडर, लिपस्टिक और कलर लेंस समेत सब कुछ महंगा। बजट ने तो हर ख्वाहिश पर पानी फेर दिया, खवातीन की दुहाई। मेकअप पर टैक्स कम होना चाहिए, लाइक नॉट मेकअप, स्किन केयर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्किन केयर के होते हैं। जो अच्छे कॉस्मेटिक्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, इस टाइम पे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छे, और जो अच्छे नहीं है उनकी फिर क्वालिटी वैसी नहीं है कि हम अपने फेस पे यूज कर सकें। पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स हैं, अब वो हमें वो क्वालिटी की अश्योरिटी नहीं देते, तो इसलिए हम लोगों को बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज करना पड़ता है। और
वहाँ पे अगर इतना टैक्स लगा देंगे तो फिर हमारे लिए तो इतना मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को अफोर्ड करना। हम बिल्कुल भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते ना, खुद अपनी भी हमारी अर्निंग्स, मतलब अगर हम कहीं से कर रहे हैं तो सारी अगर हम कॉस्मेटिक्स पे कर लेंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी। ऑलरेडी कोविड के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज इंक्रीज हो गई हैं, तो अगर मज़ीद और इंक्रीज हो जाएंगी तो फिर ये सब लोगों के लिए लेने के लिए मुश्किल हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर ने मजीद 56 जिंदगियां निकल ली। अब तक 21,689 अमवात, 24 घंटे में 1,239 नए मरीज, मोहलिक वायरस से 9,41,170 शहरी मुतासर, 42,290 एक्टिव केसेस, मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.40% रिकॉर्ड। कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चारों पाकिस्तानियों की तदफीन, ओंटारियो के इस्लामिक सेंटर में नमाज जनाजा की अदायगी, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत, 20 साल जुनूनी शख्स ने पाकिस्तानी फैमिली को कत्ल किया था। शाह महमूद कुरैशी का कनाडा में इस्लामोफोबिया का शिकार, फैमिली के अहले खाना से टेलीफोनिक राबता, वजीर खारजा का अलमनाक सानहे पर इजहार अफसोस, वजीर आजम और कौम की जानिब से ताजियत का इजहार। कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पाकिस्तानियों के वरसा से यकजहती का इजहार, हजारों अफराद का मार्च, हमले की जगह से करीबी मस्जिद तक रैली, कैनेडियन हुकूमत इंतहा पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, शुरका का मुतालबा। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया, लाहौर में गले पर डोर फिरने से 3 साल बच्चा जां बहक, खिजर अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर आगे बैठा था, SHO मस्ती गेट मौतल। लाहौर में SHO को मुफ्त खौरी महंगी पड़ गई, खाना देने से इनकार पर होटल मुलाजमीन को हिरासत में रखने पर एक्शन, IG पंजाब ने SHO डिफेंस हमाद अख्तर और 8 अहलकार मुअत्तल कर दिए। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, झुलसा देने वाली गर्मी का जोर टूट गया, इस्लामाबाद में रात गए यालाबारी, कराची में भी बूंदाबांदी। भारत में कोरोना से तबाही जारी, एक ही रोज में 3,000 से जायद अफराद जान से गए, 24 घंटे के दौरान मजीद 65,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक, मरने वालों की तादाद 3,70,000 से बढ़ गई। कोरोना से दुनिया भर में 38,10,000 से जायद हलाकतें, ब्राजील में 24 घंटे के दौरान 2,000 से जायद अमवात, कोलंबिया 577, रूस 399, अमरीका 308 और मैक्सिको में 243 अफराद जान से गए।